Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिगवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवर्मौक्तिकं करतले करीचकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि। भजामि राधाङ्गमरविन्द्रनेत्रा स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मिता स्यात् वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न क्वापि। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्लिप्तासि कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्रीसनातनप्रभुकरुणाम्बरासे हे रूपदुर्गतजनै दयावलोकै। हे भट्टजुग्मसुमतीरघुनाथदास श्रीजीवमि कुरुत मन्दमतीर्दयाङ्गभरा। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरे हरि राम 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 कृष्ण हरि हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद सिद्धांत गोस्वामी महाराज के कोटि साष्टांग दंडवत शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री जिस समय ने हरे कृष्ण माता पार्वती ने शंकर जी बोलने पर भी शंकर जी का बात का प्रति उनको विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए शंकर जी ने क्या कहा था सुन रहे थे। इसलिए जिस समय सती ने शंकर जी की बात को पर उन्होंने अविश्वास की, अविश्वास करने पर शंकर जी ध्यान में बैठे और कितने हजार साल तक जब ध्यान में बैठे पार्वती बड़ी दुखी थी पार्वती, क्योंकि शंकर जी हमें पत्नी रूप में देखना छोड़ दिया, अभी शंकर जी उनको अपना गुरु रूप में माता रूप में शंकर जी देखते हैं।
जब शंकर जी की ध्यान भंग हुई और ध्यान भंग होते ही शंकर जी रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम। जब शंकर जी भगवान का नाम करना शुरू किया सती को पता चला शंकर जी का ध्यान टूट गया है, शंकर जी का ध्यान टूट गया। अभी पार्वती ठीक उसी समय में श्री दक्ष प्रजापति पुनः शंकर जी को अपमान करने के लिए उन्होंने कनखल में फिर उन्होंने यज्ञ के प्रारंभ किया, लेकिन उनने सबको तो निमंत्रण दिया लेकिन केवल श्री शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और इतने में जब बैठे हुए थे कैलाश ऊपर में आकाश में जितने गंधर्व गंधर्विणियां और जितने सती जी जितने सब बहन थी सबके सब बहन दामाद सबके सब सत धज करके विमान में बैठ करके जा रहे थे और बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन कर रहे थे। अभी उसको देख करके सती ने जब ऊपर में देखा बड़े सुंदर सत धज करके गंधर्व गंधर्विणियां जा रही हैं और उनका बहन लोग भी सबके सब जा रही हैं, इतने में सती ने शंकर जी को बोला, बोला देखा शंकर जी आपका जो ससुर है ना आपका जो ससुर है वो यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, इसलिए देखो हमारे जितने बहन सबके सब विमान में बैठ करके जा रहे हैं और जितने गंधर्व गंधर्विणियां सबके सब जा रहे हैं सबके सब जा रहे हैं, इसलिए कौन यज्ञ कर रहे हैं आपका ससुर यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया मेरे पिताजी नहीं, उन्होंने क्या बताया आपके ससुर, मतलब क्या है आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं हैं, इसका मतलब है शंकर जी जाने के लिए आदेश दे और हम दोनों भी जाए यज्ञ में जाए, बोले चलो हम चलते हैं। शंकर जी ने कहा देखो मेरे पास कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। शंकर जी कहते देखो पार्वती सती ऐसे चार स्थान हैं जहां पर बिना बुलाए आप जा सकते हो, बोले कहां कहां पर, कहते एक पिताजी का घर में बुलाने का जरूरत नहीं, दूसरा अपना बहुत ज्यादा जो मित्र हो उसको घर में जाने के लिए कोई निमंत्रण का जरूरत नहीं, तीसरा है भगवान के मंदिर में ठाकुर के दरबार में भगवान ठाकुर सबका है, और जो चौथा चीज है बोले गुरु जी की घर में गुरु जी की आश्रम में बुलाने का जरूरत नहीं, ऐसे नहीं गुरु जी हमें क्यों नहीं बुलाया, गुरुदेव सबको निमंत्रण दिया और गुरुदेव हमें ही निमंत्रण नहीं दिया, नहीं गुरु जी का घर अपना घर होता है। इसलिए शंकर जी ने कहा देखो सती ये चार जगह पर जाने में कोई दिक्कत नहीं, ये नियम है, लेकिन होने पर भी मेरे को पता है ये तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ क्यों किया है, क्योंकि यह कारण है केवल मेरे को अपमान करने के लिए ही उन्होंने ये यज्ञ किया है, और जहाँ अपमान की बात हो यहाँ पर निमंत्रण भी नहीं दिया वहां जाना नहीं चाहिए। इतने में सती तो व्याकुल हो गई, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है शादी के बाद में क्या होता है सबके सब अपना अपना ससुर घर चल जाती है बेटियां, लेकिन मिलन कब होता है जब पिताजी के घर में कोई महोत्सव हो और पिताजी सब बेटियों को निमंत्रण दे, फिर सब बहन लोग एकत्रित होते हैं सारे दामाद एकत्रित होते हैं, फिर पिताजी क्या करते हैं अपना बेटियों को कपड़ा लता मिठाई देते हैं, यही जीवन का तो यही एक आनंद है। इसलिए सती ने शंकर जी को बारंबार मनाए लेकिन शंकर जी माने नहीं, बोले नहीं पार्वती जाने में वहां कुशल है नहीं, लेकिन नहीं बोलने आदेश देने पर भी कभी
सती बोलती अगर आप नहीं चलते फिर मैं चलती हूँ। शंकर जी आंख बंद करते थे फिर आंख खोल कर देखते हैं सती क्या करती, थोड़ी दूर जाते फिर वापस चली जाती है, क्योंकि नियम है ना पति के बगैर आदेश के नहीं जानी चाहिए। शंकर जी आंख बंद करते फिर चली जाती है, फिर चली जाती है। लेकिन इस सती को इतने, क्योंकि सब बहन लोग आएंगे सबके सब पिता सबको निमंत्रण दिया, यही आनंद है, कितना वहां पर आनंद आएगा, कितने लोग आए होंगे होंगे। अभी सती जी को तो रहा नहीं गया, शंकर जी आदेश नहीं देने पर भी शंकर जी का आदेश को उन्होंने अवमानना करके सती चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है सती कौन है, बोलिए जगदम्बा जग जननी। लेकिन ये लोग जो आदर्श रख करके जाएंगे दुनिया उसी आदर्श को ग्रहण करेंगे। अभी फिर प्रश्न होता है फिर सती जी पति अगर आदर्श नहीं देता है किसी पत्नी को, पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है, अगर आदर्श नहीं दे क्या नियम ये कहता है पत्नी अपने आप घर चले जाए, क्या नियम है? ये नियम नहीं, ये नियम विरुद्ध है, बगैर पति का आदर्श के नहीं जानी चाहिए। पर ये जगदम्बा जग जननी दुनिया की माँ है, फिर उन्होंने क्यों किया है ऐसे? बोले कारण यही था, शंकर जी इनको पत्नी रूप में देखना छोड़ दिए, अभी उनको बाप पार्षद में स्थान नहीं दे करके उनको माता जी गुरु जी का स्थान देते, सामने स्थान देते हैं इसलिए। और शंकर जी हैं, शंकर जी की बात के ऊपर में सत्य की विश्वास नहीं हुई इसलिए शंकर जी और आदर उतना नहीं करते हैं। इसलिए इसी विषय को लेकर के सती के मन में बड़ी खोब है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। इसलिए भगवान को बारंबार प्रार्थना करते बोले प्रभु आप तो दिन की दिनों का नाथ है, दया दया करने वाले करुणा सिंधु, इसलिए ऐसे काम करो जैसे मेरे जल्दी जल्दी कल्याण हो, मंगल हो है। अभी इसी शरीर से शंकर जी हमें ग्रहण नहीं करेंगे है। इसलिए मानो सती ने शंकर जी आदेश नहीं देने पर भी चल पड़े। जब चल पड़े इतने में शंकर जी ने देखा अभी इसका कल्याण होने वाला नहीं, नंदी को बोले इसको जाओ साथ माता जी को लेकर के जाओ, और जितने इनके कपड़ा लता गहना ना मतलब जितने शीशा है दर्पण और जो कंघी सब ले जाओ, उनको पता ही फिर वापस नहीं आने वाली, शंकर जी को सब कुछ पता है। फिर जब वहां पर गए और वहां पर तो कोई भी बात करना नहीं चाहते इसको साथ में, पिता तो देख करके उनको ऐसे देख करके जैसे चल बुन गए, ये क्यों आई यहाँ पर हैं? लेकिन जो माँ है उनकी हिदत में बड़ी दया है, केवल माता जी ने साथ में मिली, बहन दूर से थोड़े से मुस्कुराए लेकिन कोई आदर उनको नहीं दी। और सती ने वहां पर जाकर के देख रही थी शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भाग है कि नहीं, वहां पर जाकर देख रही थी, देखा सारे देवताओं के लिए यज्ञ भाग रखा हुआ लेकिन केवल शंकर जी के लिए कोई यज्ञ का भाग कुछ भी वहां नहीं, कोई स्थान नहीं शंकर जी के लिए। माता पार्वती सती को इतना क्रोध आया तो प्रभुपाद कहते हैं जिनके प्रिय ना राम बैरे ही तेजिय कोटि बैरी समय यद्यपि परम स्नेह है, यद्यपि वो परम स्नेह की पात्र है लेकिन जिनके प्रिय ना राम बैरे ही, जिनका प्रिय राम और सीता नहीं है, बोले तेजीय कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेह का पात्र वो है लेकिन होने पर भी क्या करो उनको करोड़ों शत्रु मान कर उनको त्याग दे दो हैं। कहती ये बात उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की दुआ है, बोले उन्होंने दुआ को कब लिखे, बोले जिस समय मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में एक पत्र लिखा है, बोले गोस्वामी जी अभी घर में कोई भी हमारी भजन का अनुकूल नहीं, पति भी नहीं, देवर भी नहीं, सास नहीं, ननद नहीं, कोई भी भजन के हमारे अनुकूल नहीं, सबके सब भजन के प्रतिकूल है, अभी बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोहा को लिख करके मीरा के पास में भेज दिए, बोले देखो जिनके प्रिय न राम वैद्य ही तेजिय कोटि वैरी समझते यद्यपि वह परम स्नेह के पात्र हैं, जिनका प्रिय राम और सीता नहीं उनको परम शत्रु मान करके त्याग दो। बोले कोई प्रमाण क्या है, बोले तेजते पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपना पिताजी को त्याग दिया है, अपना पिताजी को उन्होंने त्याग दिया है।
कहते जो माता जी को किसने त्याग दिया, बोले भरत महतारी है, भरत तो इतना क्रोधित हो गए, बोले राम अगर नाराज नहीं होते ना तेरे सर में कलम कर देता, तेरे सर में काट देता, लेकिन केवल प्रभु राम केवल नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं तेरे का सर काटने के लिए काट नहीं रहा हूं। आज से बेटा और माँ के संबंध मैंने चिरकाल के लिए मैंने काट दिया है तेरे साथ में, आज से कभी मैं तुमको कभी माँ नहीं बोलूंगा। इसलिए हर समय भरत उनको कहा करते थे राजमाता कही गई, राजमाता कही, लेकिन उनको कभी माँ नहीं बोले, कभी माँ उन्हें नहीं बोले। इसलिए एक दिन कही कही इतने दुखी हो गई, भगवान राम के पास में गए, बोले बेटा एक काम कर दो, बोला भैया क्या चाहती, बोले केवल भरत को एक बार बोल दो मेरे को माँ बोलते, बस ये माँ शब्द सुन करके ना मैं अपना शरीर को त्याग दे देना चाहता हूँ। अभी भगवान राम ने बुलाया भरत जी को, बोले भरत जी एक आदेश पालना करोगे। भरत जी ने कहा प्रभु अभी तक आप कभी मेरे को आदेश नहीं दिए, क्योंकि आप बोलने से पहले आपके मन की भावना समझ करके आपका सारे काम को मैं कर लेता था, अभी तक आप मेरे को कोई आदेश नहीं दिए। इसलिए कहते वही सेवक सेवक है, कहते सेवक चार तरह का, कितने तरह के, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ और एक अधम। इसलिए कहते ये चार तरह का सेवक है। कहते उत्तम सेवक कौन है, कहते उत्तम सेवक हुए हैं, हैं? उत्तम सेवक हुए हैं जो जोर जबरदस्ती सेवा करने वाले हैं, मना करने पर भी जो सेवा करते हैं। जैसे उदाहरण गुरुदेव देते थे, जैसे पति बाहर जा रहा है ठंडा का मौसम है, इसलिए पत्नी ने कहती है देखो आप दूर में जा रहे हो ठंडा पड़ रहा है, लो इस साल को साथ में ले जाओ, हो सकता है आपकी देर हो जाएगी आने में, थोड़ा खाना भी ले जाओ। पति कहता है अरे कोई जरूरत नहीं, अभी अभी जाऊंगा काम करके मैं वापस चला आऊंगा। बोले नहीं देर हो गया तो फिर क्या खाओगे, देर हो गया तो फिर क्या खाओगे, इसलिए आपको थोड़ा मैं खाना दे देते हूँ और इस साल को ले लो, हाँ ठंडा पड़ रहा है। लेकिन पत्नी पति मना करने पर भी पति क्या करती है, पत्नी कहते हैं हाँ? एक ब्याग में बड़े सुंदर साल को रख लेती है, टिफिन में खाना बड़े सुंदर टिफिन में खाना को पैकिंग करके रख लेती है। आप बताओ वो पति खुश होगा ना दुखी होगा, बताओ बताओ खुश होगा ना दुखी होगा, अब बोलो खुश होगा, क्योंकि पति तो यहाँ मना कर रहा है, बोले नहीं जरूरत नहीं मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद में तो आ जाऊंगा, फिर खुश क्यों होगा। बोले देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, ये मेरे को कितने ये ध्यान में कितने ये मेरे को ध्यान देती है, हम मना करने पर भी जो सेवा करे, कहती है कौन है, कहती ये श्री उत्तम सेवक है, कहती ये उत्तम सेवक है, कहती ये मध्यम सेवक कौन है, मध्यम सेवक हुए हैं, कहते बोलने से पहले गुरु जी की मन की भावना को समझा समझ करके बोलने से पहले जो कर लेते हैं, कहती ये कौन है, कहती ये मध्यम सेवक, कहते कनिष्ठ सेवक कौन है, बोले गुरुदेव आदेश देने पर बड़े आदर पूर्वक जो आदेश को पालन करते हैं ये कौन है, ये कनिष्ठ सेवक है। और चतुर्थ कौन है, बोले अधम सेवक है, हैं? इसलिए गुरुदेव आदेश देने पर भी हैं, आदेश देने पर भी जो नहीं करते हैं कहते वो अधम सेवक। गुरुदेव कहते थे सेवक, कहते सेवक से सेव हटा दो क्या रह जाएगा, बकर रह जाएगा, वो बगुला है, सेवक नहीं वो कौन है, बगुला सेवक। इसलिए ये भरत कौन है, बोले ये उत्तम सेवक है, भरत जी उत्तम सेवक। भरत जी ने कहा देखो प्रभु जी अभी तक आप कहीं मेरे को आदेश नहीं दिए, अब आदेश देने से पहले आपकी भावना को समझ करके मैं सारे सेवा को कर लेता था, लेकिन जीवन में पहला बार आप मेरे को कह रहे हो भरत जी मेरे एक आदेश को पालन करना। बोले प्रभु जी आपका सारे आदेश तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन एक आदेश में पालना नहीं कर सकता। बोले क्या है, कहते महारानी कैकेयी को मैं कभी माँ नहीं बोल सकता, इसके सिवाय आपको सारा आदेश को मैं पालन। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं तेजत पीता प्रह्लाद और भरत महातारी, भरत ने क्या कि अपना माँ को चिरकाल के लिए त्याग दी,
और श्री विभीषण ने किसको त्याग दिया? अपना भैया को त्याग दिया, अपना भैया। नियम है बड़े जो बड़े भैया है, कहते गुरु जी का सपान है, लेकिन उन्होंने सीता को उन्होंने अपहरण किया, उन्होंने धर्म विरुद्ध गया है, इसलिए विभीषण समझाने के लिए गए, लेकिन रावण ने क्या किया, लात मार करके उनको वहां से भगा दिया। इसलिए उन्होंने अपना बड़े भैया को उन्होंने त्याग दिया है, हैं? और वो कहते श्री, और कौन किन्हें त्याग दिया, कहते ब्रज बनीता, कहते ब्रज के जो गोपियों ने किसको त्याग दिया, अपना पतियों को उन्होंने त्याग दिया है। पतियों ने मना करने पर बोले कहां जा रहे हो, बीच रात में कहां जा रहे हो, कृष्ण जब बंसुरी बजाए, बंसी ध्वनि सुनकर के सारे ब्रज गोपियां जो जिस अवस्था में थी इस उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। पतियों ने कहा खबरदार घर से बाहर निकलोगे ना टांग तोड़ दोगे, बीच रात में कहां जा रहे हो, हैं? बीच रात में कहां जा रहे हो, लेकिन उन्होंने पतियों का आदेश को उन्होंने पालन नहीं किया, इसलिए ब्रज बनिताओं ने अपना पतियों को उन्होंने त्याग दिया है, हैं? और कौन किसको त्याग दिया, हाँ तेजहु बलि गुरु, कहते जो बलि महाराज हैं, कहते श्री बलि महाराज ने श्री शुक्राचार्य को त्याग, बोले साक्षात भगवान आए, साक्षात भगवान मांग रहे हैं, जाचक रूप में मांग रहे हैं, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बोले खबरदार जानते हो ये कौन है, बोले कौन है, बोले पहले जो महीन बन थे ना और आपको अमृत से वंचित कर दिया, मोहिनी अभी ये मोहन बन कर गया, ये विष्णु है, खबरदार खबरदार, इनको तीन पग जमनी मांग रहा है ना वो त्रिभुवन ले जाएगा। ऐसे दान को प्रशंसनीय नहीं मानते हैं, जो सब कुछ दे दे है अपना लिए तो कुछ रखे, वो सोचा है ना भैया अगर सब कुछ अगर ठाकुर जी को दे दिया अभी तो गुरु जी के लिए तो कुछ रहेगा क्या, गुरु जी के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसलिए बलि महाराज ने कहा भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, अब स्वयं कह रहे हो भगवान आए हैं, दुनिया जिनका है वो तो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन वो स्वयं मेरे पास में भिखारी बन करके ठाकुर जी आए, एक तो माँ देवी फिर शेर के ऊपर चढ़ करके आई, डबल लाभ है, एक तो जाचक है मांगने वाले, पर स्वयं भगवान स्वयं मांगने के लिए, ठाकुर जी स्वयं मांगने के लिए आए, इससे बढ़िया काम कुछ हो सकता है। गुरु का काम क्या है, बोले गुरु का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है जो भगवान कण कण में जो व्याप्त भगवान है उनके चरण को जो हमें दर्शन करा दी, वो गुरु का काम है, गुरु का काम ये है। लेकिन भगवान स्वयं आए भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, आप ऐसे कौन सा गुरु भगवान को भी मत दिया करो, भगवान को भी मत दिया करो। इसलिए उन्होंने गुरु जी का आदेश को उन्होंने उल्लंघन कर दिया, गुरु जी का बात उन्होंने नहीं मानी, जरूर मैं भगवान को जरूर मैं दूंगा ही, और इसलिए क्या हुआ, भगवान अपना चरण उनको सर पर रखे, सुतल लोक में स्थान दिया, इंद्र लोक की प्राप्ति की, और भगवान कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, जिनकी दरवान भगवान बने गए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर सती ने शरीर त्याग क्यों दी, सती ने उन्हें दुनिया को क्या सिख्या दी, उन्होंने यही सिख्या दी जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिय कोटि बहरी समझ यद्यपि परमस नहीं, भले ही वो परम स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो, अगर भगवान सीता राम को विरोध है, भक्ति में विरोध है, ऐसे संघ को त्याग देनी चाहिए, भैया कोई अमंगल हो जाएगा अगर हम पिताजी को त्याग दे, हम भजन करना चाहते हैं, पिताजी कहते नहीं घर में आ जाओ, भैया कहते घर में आ जाओ, अरे पिताजी का आदेश तो पालन करनी चाहिए, नहीं तो पाप नहीं लगेगा, भैया कहते नहीं घर में रहो, घर में रहो, पिताजी बुलाते घर में आ जाओ, भैया कहते घर में रहो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फिर हमको पाप नहीं लगेगा, ये तो पिता माता बोल रहे हैं, भजन कहाँ जा रहे हो, मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए नहीं, भगवान की सेवा नहीं हमारी सेवा करो तुम, है ये कौन सा धर्म है जो पिता माता को छोड़ करके तुम साधु हो जाओगे, ये सब साधु लोग बुद्धि खराब करने वाले,
हाँ मुंडे मुंडी खराब करने वाली जादू लोग हैं, सबको कपड़ी खराब करते हैं, इसलिए खबरदार जाने का जरूरत नहीं, हमारी सेवा करना है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, ये पिता माता बच्चों को शादी करने के लिए इतने उतावला क्यों होते हैं? कहते पिता माता बच्चों को शादी कराने के लिए इतने उतावला क्यों होते हैं, हाँ इतने पागल क्यों होते हैं? गुरु जी कहते थे, बोले जिंदगी भर हम संसार में दुख हो गया, जिंदगी भर संसार में हम दुख हो गया, जलते जलते मरे, और तू भगवान की भजन करके आनंद में कैसे रहोगे? भगवान की भक्ति करके तू आनंद में कैसे रहोगे? हम जैसे जीवन भर ये संसार का दुख को हमने सहन किया, सारे दुख हमने भोग किया, तू भी आ, तू भी दुख भोगकर दुख से तुम कैसे निकल जाओगे? आनंद में कैसे मंदिर में प्रभु का भजन करके आनंद में सुख में रहोगे? जिंदगी भर हमने दुख उठाया, तू भी आ और तू भी दुख भोग कर। मैजिक में जैसे थप्पड़ खाते थे, एक एक आना अंदर में जाना और बढ़िया खेल देखना, और बढ़िया खेल देखना, ये कथा है ना प्रभु जी सुनाते। इसलिए अंदर में जाते थप्पड़ मारते हैं अच्छे तरह से, और कान पकड़ कर दूसरे तरह से निकाल देते हैं, उसको दूसरे तरह से निकाल देते हैं। इसलिए कहते भैया ये संसार दुखमय है, ये संसार दुखमय। एक समय कोई और एक कथा भी आती है, कहते एक समय कहीं एक जगह पर भोजी हो रहा था, भोजी समझते हो ना, उत्सव हो रहा था, और टेंट के अंदर में हो रहा था उत्सव। इतने में कुछ कुत्ते थे, तीन चार कुत्ते थे, और एक तरह का कुत्ते थे तो तब एक कुत्ता ने देखा, अरे बोले भैया एकदम गरम गरम खिचड़ी, गरम गरम सब्जी दाल और खीर बन रहा है। उसने देख करके सोचा मैं जाऊं, झट मुंह मार करके खा करके आ जाऊं। अभी उसने अंदर में गया, जब गया वो रोसे बना रहा था, एकदम जलते हुए लकड़ी था वहां पर जब गया और जाकर के जब चावल में मुंह मारा ना, इतने में उसने जो जलते हुए लकड़ी को लाया और मारे, उसमें इतने जोर से मारे वो करते करते फिर दूसरे तरफ से घूम करके आया। जब घूम करके जो दूसरे कुत्ते थे, बोले भैया इतना देर क्यों हो रहा है? बढ़िया से खा रहा है, ये बढ़िया था, हाँ बैठा कर खिलाया, बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया से खा रहा है, इसलिए उनकी इतना देर हुई। जब उसने गया, जो गया उसने वापस आया, बोले कैसे? बोले वहां जाते ही ना लगा दिया अच्छे तरह से, हाँ जाते ही उसने लगा करके, हाँ अच्छे तरह से, हाँ खिला करके छोड़े। उसने कहा भैया इसलिए देर हुई। दूसरे कुत्ते ने बोले भैया इतने तो देर करके मतलब बढ़िया से खा करके आया। दूसरे कुत्ता भी बोला मैं भी खा करके आऊ। तो दूसरा कुत्ता घुसा, उसने देखा फिर दोबारा आया, तुम क्या हो रहा था? पानी उबल रहा था गरम। उसने बोला दोबारा फिर आया, उसने पानी भर करके बाल्टी में पूरा गरम पानी ऊपर उसको पर छोड़ दिया। तो गरम पानी उबलते हुए पानी वो तो एकदम है वहां वहां करते 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 बड़े दूर से घूम कर गया। बोले भैया जो तीसरा जो कुत्ता था, बोले शायद इतना देर हो रहा है, खूब पेट भर के खाया है। तो उसने कहा भैया इतना देर क्यों हुआ? बोले जाते ही गर्म गर्म दे दिया अच्छे तरह से, जाते ही उसने मतलब गर्म गर्म पानी डाल दिया, ये नहीं बताया। तीसरा कुत्ता ने भैया ये दोनों पेट भर के खा करके आए। बोले भैया मैं भी जाता हूँ। जो उसने गया वो देखने में एक ही था, वो जब जो खा रहा था उसने देखा भैया फिर आ गया, वही फिर आ गया। उसको ना पकड़ करके घर में है, किसी घर में अंदर में जो घुसा, उसको दरवाजा बंद करके खूब अच्छे तरह से धुलाई किया, अच्छे तरह से उसको पिटाई किया, मारते 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 ये सोच रहे हैं इतना लेट हो रहा है मतलब बहुत अच्छे तरह से खा रहा है, हैं बहुत अच्छे तरह से खा रहा है। और उसको पिटते 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 आधा बारा करके जो छोड़ा। चौथा कुत्ता ने बोले भैया क्या बात है? बोले इतने गर्म गर्म दिया है ना, पूरा गर्म गर्म दिया है मुझे मेरे को। अरे बाप, इसने पूरा गर्म गर्म दिया जाते ही, इसलिए तभी इतना लेट हुआ है। इसलिए ये कथा को बोल रहे हैं। कहते दिल्ली का लड्डू, बम्बे का, दिल्ली का लड्डू जो भी खाया वो भी पछताया, और जो नहीं खाया ना वो भी पछताया।
जो खाए हैं है, जो खाए हैं वो तो दुख भोग किया है, और जो नहीं खाए ना, बोले भैया बड़ा आनंद है, एक बार खा करके देखे तो सही, इसमें क्या आनंद, एक बार खा करके देखे। इसलिए ये माया ऐसे है, ये माया ऐसे दुनिया को नचाती है। इसलिए यहाँ पर श्री बलि महाराज, इसलिए मैं ऐसे बात बताया, बोल गया क्यों ये बात बताया, सत्य ने नहीं उदाहरण जरूर। इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि बैर समझ यद्यपि परम सने। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, हाँ, इसलिए जिनके प्रिय ना राम वैदेही, मतलब क्या है, जिनका प्रिय सीता और राम नहीं है, उनको करोड़ शत्रु मान करके त्याग दोगे तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे हमारे जितने ब्रह्मचारी देखो, जितने सन्यासी, उन लोगों ने किया क्या है, सब लोगों को छोड़ छाड़ करके ना, इसीलिए सभी पुंसा परो धर्म जत भक्ति रथक सजे। जगत में जितने धर्म हैं, सभी पुंसा, भई मतलब निश्चित रूप में पुरुष मात्र का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्या, जत भक्ति रथक सजे। भगवान अध्यक्ष सज को भक्ति करना ये जगत में सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ नहीं। जगत में सबसे बड़ा धर्म भगवान की भक्ति करना है, हैं? इसलिए कहते यहाँ पर सती ने जब शरीर को त्याग दी, उस समय में शंकर जी के, जब सती ने देखा शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं है, इतने में बोले अपना पिताजी को सबको समक्ष में बोले, है क्या बोले, बोले सीप, जो दो अक्षर है, दो अक्षर सीप शब्द सुनते हैं जिनका परम कल्याण होता है, विश्व ब्रह्मांड जिनको पूजा करता है, जो सत्यम शिवम सुंदरम सबका जो प्रिय है, लेकिन ऐसे शंकर जी को आप बहिर कर रहे हो, उनके साथ में शत्रुता कर रहे हो, ऐसे पिता है, इसको शरीर से, इनकी वीर्य से, औरत से मेरी जन्म हुई है, जब तक ये दुनिया रहेगा मेरे को क्या बोलेंगे, बोले किसकी बेटी है, बोले ये दक्ष प्रजापति की बेटी है, ये जगत के लिए मेरे का अपमान है, ऐसे पिताजी का औरत से मैंने जन्म लिया, जो शंकर जैसे व्यक्ति को भी सबका जो प्रिय है, जो मंगलमय है, जो मंगलमय उनको भी बैर करने वाले ऐसे पिता, इसलिए जिनका प्रिय ना राम वैदे तेजिय कोटि बैर सम, इसलिए ये शरीर को मैं सबका सम्मुख में, ये शरीर में त्याग दे रहा हूं। इसी यज्ञ में जितने लोग आए हैं, इसी यज्ञ में जितने लोग आए हैं, सबको सर्वनाश होने वाले, मां सती ने ये बात सबको बोला, मैं यहीं पर शरीर को त्याग देती हूँ, वहीं पर बैठी करके अपना योगाग्नि से शरीर को जला करके उन्हें राग बना दिया, जब बना दिए, शंकर जी के जितने सब चार वहां पर थे, मारो मारो पीटो पीटो, वहां पर एकदम भगदड़ मच गई वहां पर, लेकिन वहां पर भृगु ऋषि भी थे, उन्होंने क्या किया, एक ऋभु नामक है, एक सैनिक को प्रकट करके जितने शंकर जी की चार थे ना, मार मार कर भगा दिया सर, जब भगा दिया सबके सब चार लोग आकर के शंकर जी से शिकायत की, शंकर जी सुनते ही एक जटा को उखाड़ कर नीचे पटक दिया, पटकते ही वहां पर वीरभद्र प्रकट हुआ, बोले क्या आदेश है, ले जाओ दक्ष प्रजापति के सारे यज्ञ को तस नस कर दो, और सबके सब नाश्ते कुत्ते भाई आए, और आकर के वहां पर तो दक्ष प्रजापति का सर को काट करके तो उन्होंने यज्ञ कुंड में सुहा कर दिया, और जितने जिस समय शंकर जी के अपमान हो रही थी, जो ऐसे ऐसे आ कर रहे थे ना, बड़ा आनंद आ रहे हैं, शंकर जी के अपमान हो रहे हैं, बोले शंकर जी के अपमान में आग दिखा रहा था, आग निकाल दिए, जो दाढ़ी हिला रहे थे, बड़े आनंद आ रहे हैं शंकर जी के अपमान, तो दाढ़ी चिंता चिंता उखाड़ दिए है, इसलिए जो अपना मोच हिला रहे थे, बड़ा आनंद आ रहे शंकर जी के अपमान, उसका मोच उखाड़ दिए, और वहां पर जितने आए थे देवता, किसका हाथ तोड़े, किसका पाम तोड़े, इतने दुरावस्था, ब्रह्मा जी को पहले पता था ये सीप विहीन यज्ञ है, यहाँ पर नहीं जानी चाहिए, इसलिए ब्रह्मा पहले से नहीं आए, क्योंकि शंकर जी को वहां अपमान के लिए यज्ञ कर रहे थे, इसलिए वहां पर टीकाकार लोग कह रहे हैं, बोले देखो भैया, देखो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, बोले तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, जगत में तुम
जितने बड़े क्यों नहीं हो। अगर कहीं वैष्णव का अपमान कहीं हो रही है उसमें कभी शामिल मत हो, उसमें कभी शामिल नहीं होनी चाहिए। इसलिए बता ना, छह तरह का वैष्णव अपराध है, क्या क्या है? हंति, निंदति, वैदेष्टि, वैष्णवानाम ज अभिनिंदति, जाति न क्रोधन हर्ष, पटनानी सट। कहती है छहों का पतन होता है। हंति, जहां वैष्णव का हत्या हो। निंदति, जहां वैष्णव का निंदा हो। अभिनिंदति, वैष्णव का जहां पर अनादर हो। क्रुद्धते, जहां पर वैष्णव का क्रोध हो। बोले जिनको जाति न हर्ष, जिनको देख कर खुश नहीं हो। हैं दर्शने, जिनको देख करके अभिनंदन नहीं होगा, तो छह व्यक्तियों का पतन होता है। इसलिए शिक्षा देते हैं, जो ऋषि लोग थे साधारण नहीं थे, भृगु ऋषि थे और बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर थे। लेकिन जब शंकर जी को अपमान हो रही थी उसको साथ में मदद कर रहे थे, वैष्णव अपमान में हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कहीं उच्चे वैष्णव का किसी की अनादर हो रही है, उसे अपमान हो रही है, कहते भैया कभी भी वहां पर हिस्सा मत लिया करो, कभी उसमें हाँ में हाँ मत मिलाए करो। तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, तुम्हारी बड़ी दुर्गति भोगना पड़ेगा तुमको, है दुर्गति भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जब सती ने शरीर त्याग दी, सती शरीर त्याग देते समय उन्होंने सोच करके ये शरीर त्याग दी, हे हे भोले बाबा, भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, शंकर जी से प्रार्थना किया, जैसे जन्म जन्मांतर में ही अगर मैं पुनः जन्म लूंगी तो शंकर जी की ही दासी बनकर ही जन्म लू, शंकर जी की सेविका बनकर के, अर्धांगिनी बनकर के जन्म लू। यही प्रार्थना करते हुए उनने शरीर को छोड़े। इसलिए दूसरे जन्म में उन्होंने श्री हिमालय की बेटी बनकर के, फिर पार्वती बनकर के जन्म हुई। जब जन्म हुई वो माँ जगदम्बा जगजननी मैना उनकी माँ है, बहुत सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी। जब से उसने हिमालय में जन्म हुई ना, एक तरह से लक्ष्मी है, एक तरह वो लक्ष्मी स्वरूप माँ देवी है, वो पार्वती जगदम्बा जगजननी है। जब से उसने जन्म ली वहां पर जस ऐश्वर्य फल फूल में एकदम पूरा हिमालय पर्वत खिल उठा। क्यों? माँ देवी ने उनकी बेटी बनकर जन्म हुई। इसलिए बोले जयति तेदिकम जन्म ना ब्रज सहत इंदिरा है, इसलिए वहां पर लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई, हरा भरा। जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, एक दिन नारद जी आए, तो इतने में नारद जी की पूजा की है, हिमालय पर्वत ने पूजा करके उनका आसन दिया, बैठा करके नारद जी से पूछा, आप थोड़ी सी मेरी बेटी के भविष्य बताओ कि कैसे होगा। बोले देखो तुम्हारी जो बेटी है ना, ये कोई साधारण बेटी तुम्हारी बेटी नहीं, ये सर्व गुण संपन्न तुम्हारी बेटी है, हैं? ये लक्ष्मी के अंश से इसने जन्म ग्रहण की, जहां जाएगी वहां पर जय जयकार होगी, ये सर्वगुण खूब होने की महिमा गाए। बोले ये इसका तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। बोले गड़बड़ी क्या है? बोले इसका जो पति जो होगा ना, है वो पति ऐसे एक व्यक्ति होगा जो नंगे रहे, निर्लिप्त है, हैं? जो किसमें आसक्ति नहीं, निर्गुण है, इसलिए जिनका बेस अभद्र बेस है उनका जो पति ना ऐसे पति होगा। इसको सुनकर के तो दुखी हो गए, इतने सुंदर बेटी और बेटी की भविष्य तो बड़ी चिंता में पड़ेगा। और नारद जी बताए, नारद जी का वाक्य कभी झूठा होगा ही नहीं, क्यों? नारद जी को पता है ना सत्य अभी पार्वती बनकर के आई है, इनका पति शंकर जी है, और सब कुछ बात उनको बताए। इसलिए जब बात को बताए बोले भैया ऐसे व्यक्ति कौन हो सकता है? ऐसे व्यक्ति, बोले देखो ऐसे जो व्यक्ति है शंकर जी, और शंकर जी ऐसे जो व्यक्ति है, अगर इनको साथ में किसके शादी हो जाए ना, उसका अंदर में जितने दुर्गुण भी उसकी सुगुण में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं, ये तपस्या करे है, तपस्या से क्या होता है? तपस्या से सब दुख दूर हो जाता है, भाग्य परिवर्तन हो जाती है, इसलिए तपस्या करे।
लेकिन जब सती पार्वती सुन रही थी ये बात 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 को, वो मन मन में खुश हो रहे थे। किस क्योंकि उसको पता पहले जन्म में मैं सती थी, वही सती अभी मैं पार्वती बन करके आई हूँ, मेरे पति तो नित्य शंकर ही पति। वो मन मन में बड़ी खुश हो रही थी। इतने में सती ने कठोर तपस्या की, इतने तपस्या की, कहते कितने 30,000 साल तक कितने फल मूल खाकर भजन किया, उसके बाद में फल मूल खाना छोड़ दी, उसके बाद में पत्ते खा करके भजन किए, उसको बाद में जब देखा शंकर जी संतुष्ट नहीं हो रही हैं, फिर बेल वृक्ष को नीचे बैठ करके उसने अपनी आप जो सूखे बेल पत्ता गिर जाता था उसको खा खा करके कितने हजार तक तपस्या की। जब देखा शंकर तभी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तब उसके बाद में उन्होंने बेल पत्ता भी खाना छोड़ दिया। इसलिए पार्वती का एक नाम हो गया अपर्णा। अपर्णा मतलब जिसने पत्ता खाना भी उसने छोड़ दी। छोड़ दी इतने में जब उसने ये छोड़ दी, इतने में उनको हाँ, इतने में उनको आकाशवाणी हुई, बोले देखो पार्वती, बोले देखो पार्वती, जिस समय तुम्हारे पास में 70 लोग आएंगे, तब तुम पता चल जाना तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। जब ये 70 लोग तुम्हारे पास में आएंगे, हैं, फिर उसको बाद में तुम्हारे पिता आए ना, फिर तुमने ये तपस्या छोड़ करके तुम अपना घर में चले जाना, समझना तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। इतने में शंकर जी ने परीक्षा करने के लिए ये 70 ऋषियों को भेजा, बोले पहले तुम लोग जा करके हैं, जा करके पार्वती को जा करके तुम लोगों ने परीक्षा करो, क्या सचमुच से मेरे को पति रूप में बनना चाहते हैं। लेकिन शंकर जी क्या करते थे, जब देखा सती शरीर त्याग दी दे दी, क्योंकि जो सती है वो वैष्णव है। शंकर जी हर समय हरि कथा सुनाया करते थे। किसको सुनाते थे, सती को। हर समय हरि कथा सुनाते थे, सती तो है ही नहीं, अभी तो हरि कथा सुनाने सुनने वाले कोई नहीं। इसलिए शंकर भी सती के बगैर वो भी दुखी थे, वो उदास नहीं होकर के सर्वत्र भ्रमण कर रहे थे, जहां मिलता था वहीं पर भगवान की कथा सुनता सुनाया करते थे, राम का नाम जप करते थे, वो भी सती की विरह को बड़े दुखी में भोग कर रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई, भगवान विष्णु ने कहा देखो भोले बाबा, आप सती ही पार्वती रूप में जन्म लिए, इसलिए आप पार्वती को शादी कर लेना। आप पार्वती को शादी करना, भगवान के आदेश हुई है। इतने में उन्होंने 70 ऋषियों को भेजा। 70 ऋषियों ने जाकर के सती को बोले, बोले क्यों तपस्या कर रहे हो, बोले शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। बोले किसने बताया, बोले नारद जी ने। बोले नारद जी का बात तुमने सुनी हो, अभी तक नारद जी का बात सुनकर किसका घर टिका है, खुद का कोई घर गृहस्थी है, बताओ खुद का कोई घर गृहस्थी है उसका, जिसका संग किया ना उसका संसार चौपट कर दिया इसने, किसी व्यक्ति का घर बैठे है नारद जी। इसलिए दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे जन्म दिया और उनको उनको पास में लिखा पढ़ा सिखाने के लिए भेजा। जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया ना, बोले देखो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया तुम्हारी, अभी संसार करने जा रहे हो, खबरदार समझ बुझ करके जाओ, नहीं तो बच जाओगे, समझ बुझ करके जाओ। उन्होंने ऐसे पाठ पढ़ाया ना, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार घुस जाए तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बोले गुरु जी बील में घुस जाएगा तो निकल ही जाएगा। बोले तो यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार घुस जाए निकलने का और रास्ता नहीं मिलती है। बोले गुरु जी बता नहीं। बोले ये संसार घर गृहस्थ, ये ऐसे के बील है ना, संसार में लोग क्या सोचते हैं, भैया अगर ये काम खत्म हो गया ना बस चैन मिलेगा। देखना एक काम तो खत्म नहीं हुई, दूसरे काम दूसरे समस्या सोचते, भैया दूसरे समस्या खत्म हो जाएगा चैन मिलेगा, वो तो गया नहीं। समुद्र में ढेर आती ना लहरी आती है, तीसरी समस्या ऐसे जैसे मकोड़े जैसे जाल बनाते हैं ना, वो जैसे जाल बनाते हैं और लास्ट में उसमें ही प्राण को त्याग दे देते हैं। ये घर गृहस्थी में एक को बाद में एक, एक को बाद में एक समस्या, एक को बाद में है रेशम कीड़ा, कीड़ा होता ना वो भी घर बनाता है मिट्टी का, करते 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 जिधर निकलेगा उसका मुंह भी बंद कर देता है और उसको अंदर में मरकर खत्म हो जाता है, है? इसलिए घर गृहस्थी ऐसे हैं, सोचते भैया ये समस्या दूर हो जाए बस, जीवन उसमें ही जीवन चला जाता है, है? कहते बेटा जन्म हो गया बस हमारे खत्म। और इसको पढ़ाओ,
पढ़ा लिया, बोले उसको शादी कराओ, बोले शादी कराएंगे ना फिर तो रोज सत्संग में जाएंगे, घर में बहू आ जाएगी ना सत्संग में जाएगी। बस घर में बहू आ गई, बहू आ गई ना, बोले डोकरी घूमती रहती है इधर उधर, बच्चे को पकड़ती नहीं घूमती रहती है, फिर तो उसको ऐसे ताना मारती है, फिर घर में सास को घर से बाहर जाने नहीं देती। इसलिए बोले बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है। बोले हंस थोड़ी बोलता है, बोले यही तो बात है, ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र बात बोलता है। बोले ये हमारे वेद पुराण भागवत। बोले क्या विचित्र बात बोलता है। बोले भैया तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे घर तो गोलोक वृंदावन में रहने वाले, तुम अमृत से पुत्रा है, उनको भूलने का वजह से ये संसार घर गृहस्थ में रिफ्यूज होकर के आए, बैक टू गॉड हेड, अपना घर में चलो। बोले यहाँ पर अपना घर बनाया ना, हमारे सारे कागज पत्र हमारे पास में है। बोले भैया तब तक है जब तक शरीर से परमात्मा नहीं चले जाते, एक घंटा इसमें रहने नहीं देंगे, इसलिए वो विचित्र बात करता है, तुम्हारी यहाँ घर नहीं, तुम्हारे परिवार ये कोई नहीं है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्वम, कौन है। बोले भगवान ही तुम्हारे सब कुछ है, इसलिए श्रुति सिद्धांत ही है उरुगारी, भजिए राम सब काज विसारी। जितने वेद पुराण एक ही बात कहता है, भजिए राम, भजिए राम सब काज विसारी, सबको छोड़ करके राम को भक्ति करो, हैं राम को भक्ति करो। बोले पिताजी का क्या आदेश है, पिताजी का क्या आदेश है। बोले पिताजी तो भेजे आपके पास में लिखा बड़ा सीखने के लिए, ये पिता नहीं परम पिता है, उनका क्या आदेश है। बोले उनको एक ही आदेश है, क्या आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य ना जातु चिता। उनका केवल एक आदेश है, केवल उनको हर समय उनको याद करो, एक आदेश नहीं, कभी उनको भूलो मत, कभी उनको भूलना नहीं, केवल एक आदेश है, मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कार, केवल उनका यही आदेश है, ये मन और किसी को नहीं देना, मन मना भव मन केवल मुझे ही दो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मेरा ही भक्ति करो, उनका केवल एक उपदेश और कोई उनकी उपदेश नहीं, केवल एक ही आदेश है। इसलिए बोले ये बताओ तो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है, ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है। बोले गुरुदेव नदी तो एक तरफ में बहती है। बोले यही तो प्रश्न है, कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बहती है, कौन सा नदी। बोले जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु है। हम कहते कितने साल के हो गए, बोले हम 30 साल के हो गए, अपना मोच में हाथ देकर 30 साल के। बोले 30 साल के नहीं हो गए तुमने, जो परमायु थाना तुम्हारी 30 साल तुम्हारी खत्म हो गया, 30 साल तुम्हारी खत्म हो गया, कम हो गया, 30 साल के नहीं हो गए हैं। इसलिए जितना हम इस तरफ में बढ़ रहे हैं उतना दूसरे तरफ में घट रहे हैं, हैं ऐसे। इसलिए यहाँ पर बताए ये सप्तर्षि कह रहे हैं, उनको ऐसे भक्ति सिखाए ना। बोले अभी तुम जाओ घर में घर गृहस्थी करो। बोले गुरु जी इतने बात सुनने के बाद फिर कोई घर गृहस्थी करेगा, भजन कोई प्रेम संसार में जाएगा, इतना सब जान बुझ करके। गुरुदेव हम और संसार में जाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका श्रीचरण में रह करके भजन करते हुए बस अपना जीवन को बिताए, हैं अपना जीवन को बिताए। इसलिए नारद जी का जो संग किया ना उसका कल्याण हो गया। इसलिए सप्तर्षि लोग कह रहे हैं अभी तक उसने किसना घर गृहस्थी बैठाया उसने, और उसकी बात सुन करके तुम तपस्या कर रहे हो। बोले किसको पाने के लिए, अरे एक नंगे धड़ेंगे जिसका घर द्वार कुछ है ही नहीं, है नंगा रहता है, शरीर में राग मलता है, शरीर में सांप बिच्छू लटकते हुए है, जटा झूठधारी डबरू और जितने भूत पिशाच साथ में, जितने भूत पिशाचों को साथ उसको घर उसको साथ में घर गृहस्थी करोगे, और तुम तो दिखने में इतने सुंदरी, तुम चमक धमक करके बढ़िया साड़ी पहन करके चमक धमक कर चलोगे, पर कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना, और नंगे धड़के भूत पिशाच को साथ में नाचते कूदते हुए चले, ये कोई जोड़ी है। देखो जो विष्णु है ना बहुत सुंदर है, विष्णु बहुत सुंदर है, अगर शादी करना चाहते हो हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर कर देंगे, बहुत सुंदर वर तुम्हारे लिए हम देख लेंगे, तो जैसे सुंदर ही है ना विष्णु भी इतने सुंदर, जिसको साथ में जो चमक ना लगेगा जोड़ी प्यारी जोड़ी, और भूत पिशाच को साथ विष्णु को साथ में शादी कर,
तब पार्वती कहती है देखो मेरा जो मन है ना, ये मन जिसको साथ में लग जाता है ना, एक बंगला में कहावत है किबा हारी किबा डो, क्या है ए, क्या है किबा हारी किबा डो, बोले हारी डोंग क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जिसको साथ में प्रेम हो जाता है ना, ये प्रेम ऐसा अंधा होता है, ऐसे अंधा होता है वो चीज को नहीं देखता है जिसका साथ प्रेम, बोले मेरे प्रेम तो शंकर जी को साथ में हो गए, जहाँ पे रसिला क्या फूल रसिला, हाँ जाके मंगे मजे मन किवा हारी किवा डो, जिसके साथ मन बच जाते है ना किवा हारी किवा डो, इसलिए ये प्रेम ऐसे चीज है, बोले शंकर जी को साथ में मेरे तो प्रेम हो गया, इसलिए आप जो कुछ समझाओ मैं तो चाहता हूँ जन्म जन्मांतर शंकर ही मेरा पति बने और कोई मेरे पति नहीं बने, इसलिए जब उन्होंने बहुत समझाए पार्वती ने कही आप बड़े आप लोग का बहुत समय नष्ट हो गया, आप लोग चले जाओ, शंकर ही हमारे जन्म जन्मांतर के पति, जब तक उनको प्राप्त नहीं करूंगी जन्म जन्मांतर तक ये प्राण त्याग देते रहूंगी, मैं और किसको शादी नहीं कर सकती हूँ। जब ये बात सुने ना सप्तर्षि बड़े खुश हो गए, फिर उन्हें जयकार दिया, बोले श्री माता देवी की माता पार्वती की जय, बोले हम तुमको परीक्षा करने के लिए आए थे, हैं? फिर उन्होंने जाकर के शंकर जी के पास में गए, सारी बात समझाए, हमने बहुत कोशिश किए लेकिन आपको छोड़ करके और किसको प्राप्त करना नहीं चाहते, शंकर जी सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए शंकर जी सुनकर के, फिर माता पार्वती को आकाश वाणी हुई देवी तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो गई, अभी तुम घर में वापस जाओ, वापस जाओ, अभी शंकर जी को साथ में शादी हुई, शंकर जी सारे बुलाए अपने यार दोस्तों सबको बुलाए, शंकर जी बुला करके विष्णु गंधर्व रम गंधर्व और किन्नर सबको उन्होंने शंकर जी बुलाए, जितने तीर्थ है जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची जितने गया गंगा सबके सब बुलाए, शंकर जी हमारे शादी में चलो, शंकर जी की शादी है, बोले चलो सबके सब बरात देकर चलेंगे, भगवान विष्णु ने हसी तिलक करते हुए भगवान विष्णु ने बोले बोले देखो नियम है अपना अपना जो ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना लो, अपना अपना ग्रुप में चलो, क्योंकि शंकर जी जैसे जैसे बर है ना उनके बराबर हम है ही नहीं, उनके सुंदर देखने में है ही नहीं, इसलिए अपना अपना ग्रुप बनाकर भैया चलो, हाँ अपना अपना ग्रुप अलग अलग लेकर चलो, क्योंकि शंकर जी के हम तो बराबर है ही नहीं, मतलब शंकर जी को टोटिंग करते हुए भगवान नारायण कह रहे थे, शंकर जी को दर्शन शरीर में राख मले हुए बिच्छू लटक रहे जटा भस्मधारी, भगवान विष्णु कह रहे थे इनके बराबर तो है नहीं, इनको टोटिंग करते हुए, शंकर जी तो जानते हैं भगवान, इसलिए शंकर जी मंदिर अंदर मुस्कुरा रहे थे, शंकर जी मुस्कुरा रहे थे भगवान मेरे को टोटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो तो सत्यम शिवम सुंदर गले में सर्प की माला, सर्प कौन है अनंत स्वयं है, सर्ग पर गंगा गंगा कौन है भगवान की चरणामृत है, हैं? इसलिए शंकर जी शरीर में राख मलते हैं, बोले क्यों इसलिए राख मलते हैं, ये चंदन क्यों नहीं लगा, बोले चंदन तो मेरे प्रभु सेवा के लिए, मैं चंदन लगाऊंगा तो सारे भक्त लाकर मेरे शरीर में चंदन लगाएंगे, प्रभु की सेवा में कमी नहीं हो जाए, इसलिए शरीर में भस्म राख मलते हैं, राख क्या है दुनिया को शिक्षा देते हैं, देखो जिस शरीर को प्रति इतने तुम्हारी प्रेम प्रीति है एक दिन वो एक मुठी राख बनने वाले, गले में हड्डी की माला एक दिन ये शरीर का परिणाम हड्डी है, इसलिए शंकर जी दुनिया को ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम का बेस पवित्र है, इसलिए शंकर जी बोले भैया मैं भी अपना यार दोस्त को बुलाऊ, उन्होंने भी अपने यार दोस्त को बुलाए, यार दोस्त को नहीं जितने भूत पिशाच चंडी चामुंडा शंकर जी उनको बुलाए, बुला करके पहले बरात में पहले कौन जाता है जो जो दामाद होता है ना मैन वो लास्ट में होता है और उनका संगी लोग पहले जाते हैं, अभी मैना और हिमालय पर्वत है अभी शादी के लिए आ रहे हैं, आपको पता होगा क्या वर्णना गोस्वामी जी ने किया, क्या सुंदर उन्होंने सजाया हिमालय पर्वत को, बोले जिसकी सजावट देख करके स्वयं पितामह ब्रह्मा भी वो लज्जित हो जाएंगे, मैं भी इतना सुंदर में सजा नहीं सकता हूँ, प्रकृति भी आश्चर्य हो गई,
क्या तोरण बनाए, क्या फूल की सजावट अपूर्व, क्या लता पता वृक्ष क्या सुंदर उन्होंने सजाए। जब सजाए सबके सब स्वागत करने के लिए तैयार है। सबसे पहले कौन आ रहे थे? देवता लोग जा रहे थे। देवता लोग तो बड़े सुंदर गंधर्व किन्नर रंभा रूपस, मैंने कहा सबके सब सबको सब देखकर बड़े खुश हुए। बोले भैया इनका संगी लोग जब इतने सुंदर, पर दामाद कितना सुंदर नहीं होगा, दामाद कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए ये लोग जब सबसे सब पहले आए, अभी जब आए सब खुश हो रहे थे इतने सुंदर। अरे जब धीरे धीरे भगवान विष्णु आए, भगवान बड़े सुंदर, ये तो लग रहा है कि यही दूल्हा है, हमारा अगर यही से दूल्हा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बड़े सुंदर, उनके संग साथी भी चतुर्भुज तारे सबके सब बड़े सुंदर खुश हो रहे थे। बोले भैया जिनका संगी साथी इतना सुंदर है, फिर दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। और लास्ट में जब दूल्हा आए, हाँ गोस्वामी जो वर्णना करते है ना, जब दूल्हा आए उनको देख करके, किसका हाथ नहीं, किसका पाँव नहीं, किसका तीन आंख, किसका सर है नहीं, किसकी पीछे सर है, किसका शरीर सारा शरीर में खून खून चल, देख करके ना जितने लोग सबके सब दरवाजा बंद कर दिए। बोले दरवाजा बंद करो सबके सब, और जो बच्चे थे ना डर सबके सब जा करके क्या हो गया। बोले हे भगवान क्या भयंकर रूप है, और जो दामाद है ना वो पागल है, वो दामाद जो है तो पागल है, ये तो पागल है, सबके सब श्वास ले रहे थे। लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग थे हैं, जो बड़े बूढ़े शंकर जी की महिमा जो जानने वाले, बोले भैया धीरज धारो धीरज धारो। इतने में जब उन्होंने मैना और श्री हिमालय ने जब देखा शंकर जी को, शंकर तो भोले कृष्ण प्रेम में मतवाला रहते हैं, और कृष्ण भक्त एक तरह का पागल है, इसलिए भक्तमन ठाकुर ने पागल बोलिया अंकित दिव्य के धोले। इसलिए जितना हम देखो हमारे जो गुरु वर्ग गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज को देखो, जगन्नाथ बाबाजी बंशीदास, पागल लोग सबसे पागल है, पागल तो है ही है, कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने पागल सबके सब झूठे पागल है, लेकिन असली पागल कौन है, जो सच्चा पागल वो है जो पागल है श्री वाक्य बिहारी के, जो पागल है श्री वाक्य। इसलिए शंकर जी प्रभु की है, प्रभु की नशा में मस्त रहते हैं, वो तो नशा करते हैं, किस चीज की नशा, भांग की नशा नहीं, कृष्ण प्रेम रस की नशा में है हर समय पागल तो है ही है शंकर जी। बोले बाबा कृष्ण प्रेम में पागल है। बोले हे भगवान मैना का तो नारद जी को इतने काल देने लग गए। बोले ये नारद जी किसका घर अभी तक बैठा है, बोल दिया तपस्या करो शंकर जी को, हमने इसका क्या बिगाड़ा था, इसका मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे को ऐसे पागल को साथ में, और मेरी बेटी पार्वती कितने सुंदरी, कद हे भगवान पार्वती जब इतने सुंदरी बनाए, विधाता ने उसके लायक पति क्यों नहीं बनाया, इसे पागलों को साथ में कैसे शादी करेंगी। इसलिए मैंने कहा कहती है मैं ऐसे व्यक्ति को साथ में बेटी को शादी नहीं करा सकती हूँ, मैं तो बेटी को लेकर के मैं जाकर पर्वत से कूद करके मर जाऊंगी, नहीं तो पानी में छलांग लगा तो आग में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन ऐसे पागलों को साथ में अपना बेटी को मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने तो नारद जी को गाली देने लग गए, जो गाली देने लग गए इतने में जो हिमालय है वो विद्वान है, है? और विद्वान है समझते ये बात को, इतने में जो सप्तर्षियों को साथ में श्री नारद जी वहां पर आए। नारद जी आए बोले देखो आपको पता नहीं आपको बेटी कौन है, आपको पता है बेटी कौन है, ये बेटी पूर्व जन्म में सती थी, ये शंकर जी का ही जन्म जन्मांतर का पति, पत्नी शंकर जी की पत्नी थी, देख कर इसके अंदर शंका हो गई, शंका हो गई तो इसने सीता की रूप धारण परीक्षा करने के लिए गई, परीक्षा करने जब सीता जी को उन्होंने रूप धारण की, शंकर जी ने देखा मेरे माँ के रूप को उन्होंने पत्नी रूप में देखना त्याग दे दी छोड़ दी, इसलिए उसने दुखी होकर के जा करके दक्ष प्रजापति की बेटी थी कनखल में उसने
त्याग दी और शरीर त्याग देते समय शंकर जी को स्मरण करते करते याद करते करते हे प्रभु जन्म जन्मांतर ये मेरे पति बने ये बात को बोल करके उन्होंने शरीर त्याग दी हैं। इसलिए वही जो शंकर जी की पत्नी वही तुम्हारी बेटी साधारण की जगत जननी जगदम्बा मां सख्यात है सख्यात लक्ष्मी स्वरूपिणी पता नहीं शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम ये जोगी जोगी महाजोगी शंकर जी कौन है हैं। लेकिन सती तो बुद्धिमानी है ना वो तो उनको पाने के लिए चाहती थी तो मैया को समझा बोले माँ भाग्य में जो लिखा हुआ वही होता है भाग्य कभी बदलती है नहीं मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ वही जब उन्होंने नारद जी सप्तर से आकर के सांत्वना दी ये बात फिर मैना बात ना पूरा हिमालय में फैल गया घर घर में नहीं सप्तर से नारद आकर उनको पूर्व जन्म की बात बताई ये जगदम्बा जगत जननी स्वयं है ये कोई साधारण लड़की है नहीं शंकर जी फिर तो लेकिन कहीं कहीं आती हैं इतने में जब उन्होंने भूत पिशाच देख करके सबके सब भाग गए और मैंने कहा घर में चली गई सबके सब और कह रहे भैया ऐसे व्यक्ति को साथ में हम आप बेटी को शादी नहीं दिला सकते इतने में शंकर जी को बैठा करके ना जितने ऋषि जितने विष्णु जो थे जितने गंधर्व जितने किरनर बोले शंकर जी को बोले शादी करना ना बरात लेकर घर में जाना है आपको शादी करना ना बरात लेकर घर में जाना है बताओ क्या करना बोले तो शादी करने के लिए आए बोले भैया जब शादी करने के लिए आई ये रूप को बदलाओ ये रूप को बदलाओ तो बरात खाली लेकर के जाना पड़ेगा बरात बरात को जो बोले फिर शंकर जी रूप धारण किया क्या सुंदर वरनादी क्या सुंदर कभी आप लोग टीवी देख देख क्या सुंदर जितने उनको सर पे और रेशम शरीर में जो सर्प हो गया शरीर में जो राग है बड़े सुंदर क्रीम पाउडर रूप में परिवर्तन आज तो घूंघड़ा ली केस बन गई उनकी हैं जो कपड़े जी की सुंदरता इतने किया सचमुच से सत्यम शिवम सुंदरम और शंकर जी के जितने भूत पिशाच है ना इतने सुंदर वैष्णव रूप धारण किए क्योंकि वो सबके सब वैष्णव शंकर परम वैष्णव है वो सबके सब भूत पिशाच नहीं है सबके सब वैष्णव है बड़े सुंदर उन्होंने वैष्णव रूप धारण किया तिलक वो सुंदर रूप शंकर जी धारण किए अद्भुत रूप धारण किए सबके सब देख देख कर बोले इतने सुंदर हमारी दामाद इतने सुंदर है फिर तो बड़े धूमधाम से शंकर जी की शादी हुई और श्री हिमालय पर्वत ने बहुत कुछ दहेज रूप में दिया कपड़ा लता सोने चांदी हीरे जवाहरात घोड़ा हाथी दासी उनने खूब जी भर करके उनको दिया फिर शंकर जी को साथ में शादी हुई फिर मैना हिमालय ने उनको विदाई देने के लिए उनको घर तक गए और शंकर जी जितने देवादेवी साथ में गए थे बरात रूप में सबका आदर किए बड़े उत्सव दिए और सबके सबको विदाई दिया और शंकर पार्वती बड़े आनंद पूर्वक शंकर पार्वती रहने लगे जब रहने लगे फिर जाकर के एक दिन शादी को बाद में फिर जाकर के पार्वती सती पार्वती शंकर से प्रश्न करती कहते प्रभु अगर आप मेरे को अपना दासी मानते हो हाँ दासी मानते हो शंकर जी पार्वती से पूछे बोले पार्वती तुम ये बताओ तपस्या की मेरे को इतने कठोर तपस्या तुमने क्यों की हैं क्योंकि इतने कठोर तपस्या मेरे को पाने के लिए हैं बताओ तुमको चाहिए क्या अगर किसी पति अगर पत्नी से पूछे शादी पत्नी क्या बोलेगा चलो हनीमून मनाने चलते हनीमून मनाकर घूम ले जाए तो चलो बल में ले चलो हमारे लिए इससे बढ़िया बढ़िया साड़ी गहना लड़कियां लेकिन जब शंकर जी बोले बताओ तुम इतने कठोर तपस्या क्यों की देखो पार्वती बोले प्रसन्ना सुख राशि जो सुख
दासी सचमुच से मानते हो हैं? अगर मानते हो, अगर आप मेरे ऊपर में आप प्रसन्न हो, खुश हो, क्या करो, दो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। इसलिए प्रभु मेरे को इतने दुर्गति क्यों भोगना पड़ा? पहले तो मैं सती थी, सती पहले तो मैं थी, लेकिन ये सती रूप को मेरे को त्याग क्यों करना पड़ा? एक ही कारण है, आपका वाक्य में मैंने अवमानना की, भगवान का जो रूप को देख करके मैंने है वो रूप को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मेरे को इस शरीर त्याग शंका हो। इसलिए बताए, इसलिए गुरु देखो, कभी भी गुरु भगवान में ना कभी हमारी शंका होनी चाहिए, भगवान गुरु में कभी हमारी शंका नहीं होनी चाहिए। शंका इतने गंदी चीज है, वो शंका चलते चलते लास्ट मृत्यु तक ले जा जाती। इतने शंका कर दी किसको ऊपर में, शंकर जी को समझाए नहीं मानी, पर भगवान को ऊपर शंका कर दी, शंका कर दी, तो शंका बढ़ते 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 परीक्षा रूप दूर तक बढ़ी गई। फिर जाकर कठोर तप, फिर इसलिए कहते हैं प्रभु तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि ना, भगवान रघुनाथ की कथा की है वर्णना करते हुए मेरे अज्ञान को दूर करो, मेरी शंकाओं को आप दूर करो। तो उन्होंने ये जो बात बताई, कहते भगवान कौन है, बोले तरुण अरुण अंबुज सम रचना, नखदुति भगत हृदय तम हरणा, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, अनंत शरद चंद छवि हरी। शंकर जी के श्रृंगार को यहाँ वर्णना कर रहे हैं, शंकर जी का जो श्रृंगार है, साक्षात अनंत देव को जो उन्होंने क्या कर रहे हैं, अनंत देव को उन्होंने अपना श्रृंगार रूप में धारण किया। बोले क्यों, बोले अनंत देव कौन है, बोले अनंत ये जो सांप कौन है, बोले साक्षात अनंत देव है, उनके गुरु है। मतलब जीवन में कहते अगर भूषण रूप में धारण करना तो गुरु जी को उपदेश को ही भूषण रूप में धारण करनी चाहिए, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। और उनको कहते हैं त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शंकर जी जो बटवृक्ष को नीचे बैठते हैं, कहते त्रिविध समीर सुशीतल छाया, कहते जो समीर मतलब जो हवा तीन तरह का, क्या कहते तीन तरह का हवा है, हवा तीन तरह का होता है, कहते हवा तीन तरह के, तीन तरह का हवा, यहाँ पर कह रहे तीन तरह का क्या है, कहते एक शीतल हवा है, कहते एक मंद सुमंद हवा है, और एक सुगंध हवा है। कहते शंकर जी जिस भटवृक्ष को नीचे बैठ करके शंकर जी कथा सुनाते हैं, कहते तीन तरह का वहां पर हवा बहती है, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार तही तर प्रभु गय हूँ, तरु बिलो की उरु अति सुख भय हूँ। शंकर जी जब उसको नीचे बैठते हैं आनंद में, शंकर जी भोर हो जाते, विभोर होकर के शंकर जी भास प्रभु की कथाओं को जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की अमर कथाओं को शंकर जी सुनाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कथा सुनाए, भगवान की कथा की क्या महिमा है, फिर भगवान कैसे अवतीर्ण होते हैं, भगवान अवतीर्ण होने का क्या क्या कारण है, कथा फिर उन्होंने भगवान के अवतीर्ण का सारे कारण को उन्होंने फिर बताना शुरू कर दिया। श्री श्यावर रामचंद्र की।
बोले श्री अवधपुरी की, बोले श्री भोले बाबा की, बोले मैया पार्वती की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा bala hari krishna hari krishna 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 hari 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 rama hari rama राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय श्री गुरु गोरंगंदर पिता गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की प्रसिद्ध राधा बिंद बिहारी राधा रमण लाल की बोले श्री दलीला परमेश्वर भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जय दलीला परमेश्वर भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जय दलीला परमेश्वर भक्ति विदान बावन गोस्वामी महाराज जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सब परिकर प्रभुपाद की जय सब परिकर गौर हरि की जय सर्व विघ्न गिरिराज महाराज की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। बोले करुणा की जितने समस्या दूर